ये हैं राजवाला जी, समाज सेविका। ये एक छोटे से घर में रहती हैं, आवास है इनका। और इसमें आप देख सकते हैं ये समाज सेवक दयानंद सरस्वती जी की फ़ोटो है। ये इनके छोटे से कमरे में देशभक्तों की फ़ोटो है। और आप ये देख सकते हैं, थोड़ा कमल खिलाने के ऊपर भी विश्वास करती हैं। और ये गायत्री मंत्र, मैं आर्य समाज से भी जुड़ी हुई हूँ, आर्य समाज से भी जुड़ी हुई हूँ, आर्य समाज मंदिर में महिला सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, और हवन करना वैदिक मंत्रों का और वैदिक प्रचार करना। अच्छा। अपने घर पे भी और आर्य समाज किशनपुर बाजार में भी, और सत्य सनातन धर्म वैदिक धर्म का मैं भी प्रचार में करती हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम। और ये दो चीजें से भी जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो राजनीति का नाम नहीं लेते हैं, हम स्वयं सेवक संघ की बात करते हैं। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय सेविका समिति की पदाधिकारी हूँ, महिलाओं की लड़कियों की शाखा लगाती हूँ। अच्छा। राष्ट्रीय सेविका समिति में बहनों का चरित्र का निर्माण, अनुशासन और उनके देशभक्ति की भावना, धर्म भक्ति की भावना, सेवा समर्पण की भावना, ये सब सिखाया जाता है। बहुत सुंदर। राष्ट्रीय सेविका समिति में आपके पास ये क्या है कि कोई वो भी है क्या, प्रमाण पत्र है? हमने पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पौधे लगाए थे, तो उसका प्रमाण पत्र हमें मिला है। अच्छा। और मेरे आदर्श और प्रेरणा युक्त मेरे दयानंद जी है, ऋषि दयानंद जी को मैं अपना आदर्श मानती हूँ। इन्होंने नारी शक्ति के लिए बहुत ही उन्होंने आवाज उठाई थी, और शिक्षा के लिए भी आवाज उठाई थी, इसलिए हमारे प्रेरणा दाती। और ये भी एक प्रमाण पत्र है आपके, पॉलिथीन को पर्यावरण को बचाने के लिए, कपड़े का थैले का इस्तेमाल करने के लिए, पॉलिथीन को बंद करने के लिए संदेश हमने दिया था। तो हमने जगह जगह कपड़े के थैले बांटे थे, तो उसका प्रमाण पत्र हमें मिला था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम भी जुड़े हुए हैं। प्रदूषण को बचाने के लिए पॉलिथीन को हमें त्यागना होगा, और कपड़े का थैला अपने साथ में हमेशा लेकर रख करके बाजार जाओ, कहीं भी जाओ, साथ में रख के लेके जाओ। मैं आप जैसी समाज सेविका को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि आप जैसे लोग समाज में निरंतर काम कर रहे हैं। हमने इस प्रकार से विद्यालय में 100-200 कपड़े के थैले वितरण किए बच्चों को, और संदेश पहुंचाया कि कहीं भी जाओ कपड़े का थैले को उपयोग में लो, और पॉलिथीन को उपयोग में नहीं लेना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हानिकारक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।